आए दिन गलत इंजेक्शन या गलत इलाज की वजह से लोगों की मौत के मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश का सीहोर प्रशासन एक्शन मोड में है। जिला प्रशासन की टीम ने पूरे जिले भर में छापेमारी की। इस दौरान कई क्लिनिकों को सील किया गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार में जिले में संचालित अवैध हेल्थ क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग दलों द्वारा जिले भर में छापामार कार्रवाई की गई। तिरुपति मंदिर प्रसादम विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे सनातनियों के खिलाफ एक षड्यंत्र करार दिया और कहा कि भारत के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आंध्र प्रदेश सरकार से सख्त कानून बनाने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कुछ निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस एक्ट से जुड़े आर्थिक लाभ पर खास तौर से चिंता जताई है। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को निर्देश देते हुए निगरानी तंत्र बनाने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि झूठी शिकायतें देने वालों के खिलाफ इस मामले में कार्यवाही होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि इन नेताओं को केस और मुकदमों का फर्क नहीं पड़ता, इनकी चमड़ी मोटी है। हालांकि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं नेता नहीं हूं, मेरी चमड़ी मोटी नहीं है, मुझे झूठे केस लगने से फर्क पड़ता है। मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहा जाता है तो फर्क पड़ता है। मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए इस्तीफा दिया। मैंने अपने जीवन में केवल इज्जत और ईमानदारी कमाई है, मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने लिखा कि PM नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, उससे पहले वे अपनी सारी इज्जत पूरी कर रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव की तारीख बढ़ गई है। चुनाव 22 सितंबर रविवार के बजाय अब 24 सितंबर को होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की। मुंबई यूनिवर्सिटी ने शहर में कानून व्यवस्था का हवाला दिया। अदालत से मांग की गई है कि शहर के माहौल को देखते हुए 2 दिन का और समय दिया जाए। मुंबई यूनिवर्सिटी के अनुरोध को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिले के मेराल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए राज्य के सारे पूर्व CM बीजेपी में चले गए हैं। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री भी उनके साथ हैं, सारे लोग एक तरफ हैं और दूसरी तरफ मैं, लेकिन मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है। मोल इंडिया ने अपने घी के तिरुपति मंदिर में सप्लाई किए जाने को लेकर एक दिन पहले सफाई जारी की थी। कंपनी ने एक दिन पहले स्पष्ट किया था कि उन्हें कभी भी असली घी की सप्लाई तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को नहीं की है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे किए जा रहे थे। कंपनी ने कहा था कि ये सब अफवाह है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्रीटू का कुमार दर्शकों के सिर से उतरने के लिए तैयार नहीं है। 15 अगस्त को रिलीज हुई यह हॉरर कॉमेडी फिल्म अब तक सिनेमाघरों में चल रही है और हर रोज करोड़ों में कलेक्शन कर रही है। स्त्रीटू को रिलीज हुए अब 38 दिन हो गए हैं और इस बीच कई नई फिल्में थिएटर्स में आई हैं, लेकिन कोई भी फिल्म स्त्रीटू का क्रेज कम नहीं कर पाई है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला गया। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया ने 280 रनों से जीत अपने नाम की। पूरे मुकाबले में टीम इंडिया का दबदबा बरकरार रहा। बांग्लादेश मुकाबले में सिर्फ संघर्ष करती हुई दिखाई दी। इस हार के बाद बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया।